हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर हैं। हम फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम, और उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल तार। कोल तार, जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, ये जो है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सॉरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, ये कोल गैस के साथ, कोक के साथ कोल जो हम प्रोसेसिंग करवाते हैं लेबोरेटरी में, उसके बाद हमें मिलता है कोल तार। ये काफ़ी हम ये कहेंगे कि अनप्लीजेंट स्मेलिंग का एक लिक्विड है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट 200 सब्सटेंसेस का मिक्सर होता है, और ये जो है हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं डेली लाइफ की। और वो जो चीज़ें हैं हमारी, वो आप देख सकते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ पर नियर अबाउट 200 सब्सटेंसेस से ये बना है, और ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें से बना सकते हैं डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, और इसके अलावा जो नेफ्थलीन की जो टैबलेट आप मौत को रिप्लेंट करने के काम आती है, मीन्स वो नेफ्थलीन की गोलियां जो हमारे इंसेक्ट्स को दूर भगाने में यूज़ होती हैं, वो भी इसी से बनती हैं। तो ये सब आप यहाँ से ले सकते हैं। जो जो सब्सटेंस हमें किससे मिलते हैं, हम ये कहेंगे कि कोल तार से मिलते हैं, तो वो हमारे हो गए सिंथेटिक डाई, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक फिल्म्स, रूफिंग मटेरियल्स और नेफ्थलीन टैबलेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, कोल तार से मिलती हैं। इसके साथ साथ कोल तार को हम सड़कें जो रोड बनाते थे उनमें भी यूज़ करते थे, लेकिन आजकल जो है ये कहाँ पर यूज़ होता है, इसको हम ज़्यादातर ये जो सब्सटेंस हमने ऊपर डिस्कस किए, ये सब बनाने में यूज़ किया जाता है। कोल तार की जगह आजकल जो सब्सटेंस रोड सर्फेसिंग में यूज किया जाता है, वो है बिटुमिन। तो ये आप यहाँ से ये नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोल गैस। कोल गैस हमारा तीसरा प्रोडक्ट है जो कि कोल की प्रोसेसिंग से हमें मिलता है। कोल गैस एक ऐसी गैस है, जब कोल की प्रोसेसिंग की जाती है तो उस समय कोल गैस भी प्रोड्यूस होती है। कोल गैस का यूज़ पहले यूज किया जाता था, लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता था, और ये आपके बॉक्स में भी दिया हुआ है कि ये जो कोल गैस का प्रोडक्ट है 1810 में और 1820 में लंदन की जो सड़कें हैं, या हम ये कहेंगे स्ट्रीट लाइट के लिए इसको यूज किया जाता है। ये बिल्कुल वैसे यूज किया जाता था जैसे कि हम लैंप को जला लेते हैं तो उससे लाइट प्रोड्यूस होती है और उससे रोशनी हो जाती है। ठीक उसी तरीके से इस गैस को बर्न करके लाइटनिंग करने के काम आता था स्ट्रीट लाइट में। लेकिन आजकल कोल गैस का जो यूज़ है वो हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, कोल गैस का हम आजकल जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में कोल गैस का यूज़ किया जाता है। आप ये लाइनों में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लाइनें हैं वो इंडस्ट्रीज़ में यूज किया जाता है, और ये ज़्यादातर उन इंडस्ट्रीज़ में यूज किया जाता है जो कि कोल प्रोसेसिंग जो फैक्ट्रीज़ हैं, हमारी कोल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके आसपास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर कोल गैस को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि कोल की प्रोसेसिंग से हमें तीन चीज़ें मिली, उनमें हमारा एक था कोक जो कि एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, दूसरा जो हमारा था वो है कोल तार जो कि 200 सब्सटेंसेस का मिक्सर है और उससे हमें बहुत सारी उपयोगी चीज़ें मिलती हैं, और तीसरा है हमारा कोल गैस जो कि हमारा जनरली फ्यूल के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर में आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जैसे कि आपको नाम से पता है, आपको पेट्रोलियम कहते ही आपको याद आ जाता है कि पेट्रोल वो चीज़ है जहाँ जो कि हम अपनी गाड़ियों में, व्हीकल्स में एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, और पेट्रोल के बिना जो है वो हमारी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। तो पेट्रोल जो है वो हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है। पेट्रोलियम एक हम ये कह सकते हैं कि कच्चा तेल है, रॉ मटेरियल है, जिससे हमें डीजल, पेट्रोल
और हमारी जो CNG है या फिर हमारी दूसरी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसी से मिलती हैं। या हम कह सकते हैं, आपने पिछले चैप्टर में एक पेट्रोकेमिकल्स के नाम से नाम पढ़ा था, तो पेट्रोकेमिकल वो सारे केमिकल्स हैं जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो पेट्रोलियम बनता कैसे है? पेट्रोलियम बिल्कुल लगभग वैसा ही तरीका है बनने का जैसा कि हमारा कोल फॉर्मेशन का तरीका था। इसमें भी मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ पेट्रोलियम के बनने में और कोल के बनने में क्या डिफरेंस हुआ? तो वो डिफरेंस मेन जो है वो है हमारा कि जो पेट्रोलियम है वो ऑर्गेनिज्म से बनता है, जबकि कोल जो है वो वेजिटेशन से बनता है। ये सी बेड पर बनता है, वो नॉर्मल जो अर्थ है उसके अंदर बनता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सी बेड है वहाँ पर बनता है क्या पेट्रोलियम। इसको बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप पेट्रोलियम के यूजेस अगर आप देखें तो ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पर पेट्रोलियम के यूजेस हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पेट्रो का नाम पेट्रोलियम क्यों पड़ा है। तो उसमें हमें पेट्रा जो है वो रॉक का मीनिंग है और ओलियम जो है वो ऑयल का मीनिंग है, इसलिए इसका नाम पेट्रोलियम है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा ये जो है यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। सेम वैसे ही सी बेड्स में जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर लेयर्स जमा हो जाती हैं। वो लेयर हमारे कार्बोनेट की हो सकती हैं, स्लिट की हो सकती हैं, सैंड की हो सकती हैं और दूसरी वेजिटेशन की हो सकती हैं। तो वो लेयर जब जम जाती हैं उनके नीचे, तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से इस पर भी प्रेशर बढ़ जाता है और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो ऑर्गेनिज्म है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपका ये जो पैराग्राफ है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ पर पेट्रोलियम कैसे बना, ये सारी चीज़ें हमें इससे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे ये जो पैराग्राफ है इसमें इनको इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो वर्ल्ड का जो ऑयल का हम ये कहेंगे कि वेल ड्रिल किया गया था वो पेनिसिल्वेनिया में USA में 1859 में किया गया था। उसके बाद हमारे यहाँ इंडिया में जहाँ जहाँ पर हमें पेट्रोलियम मिलता है वो है आसाम, गुजरात, मुंबई हाई और जो हमारे डेल्टा हैं गोदावरी और कृष्णा के, वहाँ पर हमें पेट्रोलियम मिलता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम करने से पहले हम पहले एक बार ये देख लेते हैं कि डिपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारे सी बेड का एरिया है जहाँ पर बहुत सारी रॉक्स भी हैं। इन रॉक्स में ये यहाँ पर इम्पीवियस रॉक दिखा रखी है, ये हम ये कहेंगे कि ये इम्पीवियस रॉक है। फिर ये यहाँ पर हम ये कहेंगे कि डिपोजिशन है, ये डिपोजिशन है गैस की, ये ऑयल की और ये यहाँ पर वाटर है। अब आप कहोगे कि जी वाटर, ऑयल और गैस सारी चीज़ें एक जगह कैसे हुई? ये यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हो आप इसको, ये जो रॉक है ये रिसीवर रॉक है। रिसीवर रॉक का मीनिंग है कि यहाँ पर वो सारे प्रोडक्ट हैं जिससे कि पेट्रोलियम बनता है, यानी कि यहाँ इन गैसेस में से, हम ये कहेंगे कि इन रॉक्स में से धीरे धीरे जो पेट्रोलियम है और फिर गैस है वो यहाँ पर जाती रहती हैं और वो इकट्ठी होती रहती हैं। आपको पता है कि जो ऑयल है वो वाटर से लाइट है और गैस उससे भी लाइट है, इसलिए ये हम ये कह सकते हैं कि उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर ये कलेक्ट हो गए हैं, सबसे पहले गैस, फिर ऑयल और फिर वाटर। तो इस तरीके से आप डिपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम को समझ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम यानी कि हमारे पास जो भी पेट्रोलियम है, हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल है, वो जो है उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, रिफाइनिंग कैसे करते हैं उसकी। तो रिफाइनिंग से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप यहाँ पर पेट्रोलियम के लिए लिखा हुआ कि पेट्रोलियम हमारे पास क्या है, एक डार्क विस्कस मटेरियल है, अनप्लीजेंट स्मेल वाला,
जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं हमारी नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेंट ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें पेट्रोलियम से ही मिलती हैं। तो इसके लिए कैसे, कहाँ से इसको रिफाइनरी की जाती है, तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये एक पेट्रोलियम रिफाइनरी का डायग्राम है, यानी कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे पेट्रोलियम को रिफ़ाइन किया जाता है। इसका जो बेसिक है तरीका है कि कैसे इसको रिफ़ाइन किया जाता है, तो उसमें हमें जो है डिटेल वो तो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। होता ये है कि हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये प्रोसेस किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सभी लिक्विड जो भी हमारा मिक्सर है वो सारे लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पर वेपराइज होते हैं और फिर हम उनको अलग अलग टेम्परेचर पर कंडेंस करवा कर उनको अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं। तो ये यहाँ हमारे पास टेबल दे रखी है, इस टेबल में आपको बता रखा है कि क्या कौन कौन सी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं और साथ में उनके यूजेस भी हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बता दिया कि पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में LPG यानी कि जो हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसको हम LPG कहते हैं, जो कि आपको पता है एज ए फ्यूल हमारे घरों में किचन में यूज़ की जाती है, इसके अलावा इंडस्ट्री में फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, फिर पेट्रोल वो हमारे व्हीकल्स में एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, फिर केरोसिन आपको पता है स्टोव्स में लैंप्स में एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, डीजल को हम जो हमारे हैवी व्हीकल्स हैं उनमें यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेशन में यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेशन का मीनिंग है किसी चीज़ को चिकना करना, यानी कि जब हमें किसी जहाँ पर हम ये कहेंगे कि फ्रिक्शन को कम करना होता है वहाँ पर लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है। पैराफिन वैक्स हमारे कैंडल्स बनाने में, वैसलीन और ऑन्टीमेंट्स यानी कि हमारी जो क्रीम वगैरह जो हम बनाते हैं या दवाइयाँ जो हैं उनमें बनाने में यूज किया जाता है, और एक है हमारा विटामिन जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि रोड बनाने में यूज किया जाता है। तो आज हम इतना ही कर लेते हैं, बाकी जो काम है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।